गुरुग्राम में आज कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मौजूद रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जिस तरह से आज गुरुग्राम में कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, उसमें कार्यकर्ताओं का जो जोश है वह देखते ही बन रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रति लोगों ने मना लिया है मन, और जिस तरह से बीजेपी ने लोगों के साथ धोखा किया है, उसके बाद एक बार फिर कांग्रेस के प्रति लोगों का रुख नजर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने जो वादे और दावे किए थे वह सब खोखले साबित हुए हैं। आने वाले चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आएगी। और कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए कर देगी। इसी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस ओबीसी सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के बयान से किनारा कर लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि किसने क्या बयान दिया और क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस। आज ये गुड़गांव ने दिखा दिया कि हर एक के दिल में, हर घर में कांग्रेस बसती है। और उत्साह और भीड़ आपने देखा कि किस तरीके से आज लोगों में एक उत्साह था, देखते ही बन रहा था, पैर रखने की जगह नहीं। आज लोगों ने गुड़गांव का, मैं बारंबार धन्यवाद करता हूँ गुड़गांव वासियों का कि इतनी भारी संख्या में, कि आज सबने दिखा दिया कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। और जिस जोश में थे, ये एक साफ संकेत है कि लोग मन बना चुके हैं कैप्टन गांधी की आने वाली हरियाणा में सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। इसके अलावा आपने 10 सवाल किए हैं आज खासकर गुरुग्राम के बारे में, क्या आप प्रत्यक्ष को प्रमाणित जरूरत नहीं, जो गुरुग्राम गुड़गांव जो पूरी दुनिया में एक उभरता हुआ शहर, बहुत तरक्की कर रहा था, रोजगार दे रहा था, आज जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं। जो काम जहाँ छोड़ गए थे, मेट्रो छोड़ गया, वहीं छोड़